आज हम एक नए विषय के बारे में बताएंगे आपको। विषय क्या रहेगा आज का हमारा? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण किसे कहा जाता है? अक्षर को। और विच्छेद, जब उस अक्षर को हम खोल कर लिखते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद करना। वो कैसे किया जाता है, देखिए आइए। जैसे शब्द है हमारा कृषि, क्या शब्द है? कृषि। हमारा पूरा है, वर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, उनको देखना होता है। तो देखेंगे कि क्या हमारा कैसा है पूरा। जब कोई भी व्यंजन पूरा हो और उसको विच्छेद करते समय, व्यंजन की बात हो रही है, व्यंजन को विच्छेद करते समय हम उसमें क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। दूसरा क्री, आवाज कैसी आ रही है, उच्चारण कैसा है, कह के पैर में क्या है? री। अब हम री लिख देंगे। री पर हलंत नहीं आएगी, क्योंकि स्वरों पर कभी हलंत नहीं लगाया जाता, सिर्फ हलंत व्यंजन में प्रयोग होता है। कैसे? क्योंकि व्यंजन में स्वर मिले होते हैं, और जब वर्ण विच्छेद करते हैं उनको सहारा देने के लिए, उनमें सहारा नहीं रहता तो हलंत लगाई जाती है, और उस स्वर को जिसके साथ में जुड़ कर बना है उस स्वर को अलग कर दिया जाता है। तो इसलिए स्वरों में हलंत नहीं लगाई जाती, क्योंकि स्वर तो होते ही स्वतंत्र हैं हमेशा। तो आगे हमारी आती है क री शी शी। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। अब पहले उच्चारण हमारा ध्वनि की ओर जाएंगे। कृषि, पहले क्ष की ध्वनि आ रही है, हमें मात्रा को नहीं देखना है। कृषि, क्ष को खोलेंगे पहले। क्ष में कौन सा स्वर मिला हुआ है? छोटी ई। कौन सी मात्रा है? छोटी ई। तो छोटी ई यहाँ पर लगा देंगे। अब मैंने ये जो स्वर है ये है, इन पर हलंत नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं और ये व्यंजनों को सहारा देते हैं या मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयोग होते हैं। दूसरी बात, अब शी किससे बना? इससे। क्री किससे बन गया? इससे बन गया। तो ये हमारा शब्द ऐसे बन गया। अगर शब्द दे दिया जाए आपको क्यारी, क्यारी पहले कैसा व्यंजन है हमारा? व्यंजन की ओर हम हमेशा ध्यान रखेंगे। कौन सा व्यंजन है? क। भी कैसा है? आधा है। आधा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। हलंत लगाने के पश्चात हम क्या करेंगे? दूसरे व्यंजन की ओर जाएंगे। दूसरा व्यंजन कौन सा है हमारा? य। पर मात्रा चिन्ह क्या है? आ की। तो क्या र आगे के क्या है? रो। र, र पर मात्रा चिन्ह कौन सा है? बड़ी ई। तो ये हम व्यंजन पर तो हलंत लगाएंगे, स्वरों पर हम नहीं लगाएंगे। अब कई बच्चे गलती कर जाते हैं कि हमें हमेशा ए निकालना है हर व्यंजन में से। हर व्यंजन में से बेटा ए नहीं निकालना, हमें शब्द की ओर देखना है कि ये हमारा जो व्यंजन है, पहला जो शब्द अक्षर है, वर्ण है, ये कैसा है? आधा। आधे को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। अब इसमें ए नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये पहले से आधा है। जिस व्यंजन को हमें आधा दिखाना हो उसमें हलंत लगाएंगे, उसमें ए नहीं मिलाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि जैसे अब ये री था, इसमें ऐसे भी कर देंगे, ए भी मिला देंगे और ई भी मिला देंगे। नहीं, ये तरीका हमारा गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यंजन में एक ही स्वर समाता है, उसको एक ही सहारा देता है, तो वो खड़ा हो जाता है, दो स्वर उसमें नहीं आते, तो ये हमारा गलत होगा। अगर कोई भी, जैसे संयुक्त व्यंजन अगर हमारे सामने आ जाए तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहले हम किसको खोलेंगे? क्ष को। क्ष किससे बना है? क और श से। अब इसमें ए नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सूत्र बताया है कि
नहीं होगा जब उसके ऊपर दूसरी मात्रा है, तो दूसरा स्वर का चिन्ह है हमारे पास तो ए नहीं मिलाएंगे। तो कौन सी, कौन सा मात्रा चिन्ह है ये? ए। तो आगे क्या आ जाएगा? अब ये क्या बन गया? क और श से ये शब्द बन गया और इससे ये मात्रा चिन्ह आ गया, तो क्या बन गया हमारा? क्षेत्र। आगे आता है हमारा त्र। अब त्र को देखते हैं कैसे खोलते हैं। त्र को जब हम खोलते हैं, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? त्र तो रो पर आपको डाउट होगा कि इसमें तो ए मिला दिया मैंने, लेकिन इसमें नहीं मिलाया। इसमें क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है। मैंने पहले भी बताया है कि स्वर एक ही बार प्रयोग होगा, व्यंजन में दो दो बार नहीं होगा। इससे क्या मिलकर बन गया? त्र। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, व्यंजन के उच्चारण की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हमारा था वर्ण विच्छेद। जब हम, अगर हमें शब्द दे दिए जाएं ऐसे कि ऐसे, ये ना दिया जाए, अगर ऐसे करके हम बच्चों को वर्कशीट के माध्यम से दे दें, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए दे दें, तो ये हमारा वर्ण विच्छेद है। अगर इसको कहा जाए कि संयोजन करके लिखें, संयोजन होता है हमको जोड़ना, इनको जब हम इकट्ठा करके लिखते हैं, जोड़ कर लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा वर्ण संयोजन। जैसे क, यहाँ से ये आ गया, ये या आ गया हमारा, ये री आ गया हमारा। तो जब हम इस शब्द को इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये वर्ण संयोजन होता है, और इस प्रकार खोल कर लिखते हैं तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमें इसके नियमों पर ध्यान देना चाहिए, हमें इधर उधर से टुकड़े नहीं लगाने चाहिए, तब हमारा वर्ण विच्छेद बिल्कुल पूरा ठीक होगा। तो ठीक है, कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।